नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कक्षा पंचमी, विषय संस्कृतम्। शाकानि नामानि। आज हम इस क्लास में सब्जियों के नाम संस्कृत से हिंदी में पढ़ेंगे। मरीचिका, मिर्च, बहुत तीखी होती है, लाल और हरी। गुंजन कम, गाजर, जिससे हमारे शरीर में खून बढ़ता है। रक्त फलम, टमाटर। आलू कम, आलू। पुष्प शाकम, फूल गोभी। केम्बू कम, पत्ता गोभी। छत्रा कम, मशरूम। वृंता कम, बैंगन। पलांडू, प्याज। मूलकम, मूली। भिंडी का, भिंडी। पालक क्या, पालक। पालक हरी पत्तेदार सब्जी है, जिसमें आयरन की अधिकता रहती है और इसके खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। कारबेलम, करेला, बहुत ही कड़वा होता है। लहसुनम, लहसुन। अलाबू, कद्दू। धनियाकम, धनिया। धनिया भी हरी पत्तेदार सब्जी है। अजगंत, पुदीना। कुष्माण्ड, लौकी। लौकी का जूस भी बनाया जाता है। चरवटी, खीरा। खीरा कद्दू, जिसमें पानी की मात्रा अधिक रहती है। गर्मी में खीरा ककड़ी का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी नहीं रहती है। महामरीचिका, शिमला मिर्च। पटोल, परवल। कोशातकी, तुरई, जिसको तुरई बोलते हैं, सब्जी है, बहुत ही अच्छी बनती है। शिखा मूलम, शलगम। शलगम लाल रंग का होता है और इसको खाने से भी शरीर में रक्त की पूर्ति होती है। इसका जूस भी बनाकर पिया जा सकता है। शिबिका, फलियां। कलाई, मटर, जो सर्दी के मौसम में भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। आज हमने सब्जियों के नाम पढ़े हैं, तो सब्जियों के नाम केवल पढ़ने से हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, इन सब्जियों का सेवन भी हमें करना चाहिए। आजकल के बच्चे सब्जियों का सेवन बहुत कम मात्रा में करते हैं, जिससे उनकी आँखों की रोशनी कम होती है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता, कई तरह की बीमारियाँ लगी रहती है। तो हमें हरी पत्तेदार सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे आँखों की रोशनी अच्छी रहे, शरीर स्वस्थ रहे और पत्तेदार सब्जियाँ और दूसरी सब्जियाँ खाने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है।
धन्यवाद।